हेलो। हाँ बच्चे, देखो तो अपने को टाइम वेस्ट करना नहीं बिल्कुल भी। हमको पता नहीं कि कितने दिन और छुट्टी कंटिन्यू रहेंगी, सो इट्स बेटर कि हम टाइम यूटिलाइज करके कुछ पढ़ें। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट स्टिल वो उसको पढ़ने के लिए बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम एक बहुत इजी चैप्टर से स्टार्ट करें, तो क्या है कि जिससे मतलब ये चैप्टर वापस से क्लास में पढ़ेंगे, बट अगर आप ये थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको आगे समझने में बहुत हेल्प रहेगी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। आपको जैसे मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक दो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू ड्रॉ ज्योमेट्री एंड शेप कैसे बताना होता है हमको एंड एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होगा, डिटेल्ड मैनर में होगा, ये मेरे बने हुए नोट्स हैं। तो इनमें क्या होगा कि हम इनमें टॉपिक पढ़ेंगे और ये रफ शीट का यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमने लिखा हुआ है कि इन जनरल आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि मेटेलिक एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कोई भी सबसे सिंपलेस्ट मेटल क्या हम जो उनको पता है, जो कि फर्स्ट ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स इन दैट इज सोडियम। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो आयनिक बॉन्ड है ये एक मेटल एंड एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। तो मेटल तो ये रहा, नॉन मेटल कौन से होते हैं हमारे, जो जनरली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो पी ब्लॉक में आपको कौन सा एलिमेंट पता है, सपोज हम पता कर लेते हैं क्लोरीन है, आपको पता है ना क्लोरीन 17 ग्रुप वाला एलिमेंट है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या मेटल और ये हो गया हमारा नॉन मेटल। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि यार ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बट ये अपने आप आयनिक बॉन्ड थोड़ा ना बनाने वाले, मतलब इनको आप रख दोगे आयनिक बॉन्ड थोड़ा बन जाएगा इन दोनों के बीच में। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या, आयनिक बॉन्ड होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और ये जो भाई साहब होते हैं इनको क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, है ना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा, एनए पॉजिटिव, और वही एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल के किसके पास चले जाएगा, क्लोरीन के पास, तो वो क्या बनेगा बेटा, क्लोरीन नेगेटिव वन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इतना तो एकदम क्लियर है कि एनए ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर आ गया है एनए प्लस वन चार्ज, और सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर आ गया सीएल वन नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब यहां देखो आपको तो ये पता ही है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बस यही जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड। और ये आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ गया, मतलब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है मेनली, कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, और बनते कैसे हैं, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयन्स फॉर्म होते हैं, और जब दो अपोजिट नेचर के आयन्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। हमेशा याद रखना है कि इट इज अ वेरी स्ट्रांग काइंड ऑफ बॉन्ड। ओके, आपको पता है NaCl को आप एक काम करना, घर पे अपने नमक लेना, उसको आप तवे पे या किसी भी चीज पे गर्म करने की कोशिश करना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 700-800 के डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 100 पे तो वाटर बॉयल हो जाता है, एंड यू कैन नो कि 700 और 800 डिग्री मतलब कितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें अभी देखो, इसमें एक नोट मैंने लिखी हुई क्या है कि अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl। ठीक है, अमोनियम आयन बिहेव एज एन अल्कली मेटल। देखते हैं कि क्या बोलना क्या चाहता है ये। ठीक है, अब देखो अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे, देखो पहले क्या होता है ना बेटा, अमोनिया आपको तो स्ट्रक्चर याद ही होगा इसका, ये क्या होता है हमारा SP3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, पिरामिडल होता है, याद है ना, कुछ याद नहीं यार आपको, याद करो जल्दी जल्दी याद करो चलो। और ये एक HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैंने बताया था कि अमोनियम आयन कैसे बनता है, ये जो लोन पेयर है देखो हाइड्रोजन क्लोरीन से लगा हुआ है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या करेगा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पर क्या चल जाएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पर क्या बेटा, डेल्टा नेगेटिव, है ना, इतना तो पता ही हमको। अब देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए किसने, क्लोरीन ने, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, कम। और भाई साहब के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब गरीब आदमी अमीर आदमी, तो अमीर आदमी क्या बोलेगा, भाई एक काम करो अपन तो को एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर दे दूं, बट हाइड्रोजन क्या बोलेगा, देखो नाइट्रोजन जी मैं तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरी औकात ही दो इलेक्ट्रॉन को लेने की, मतलब मैक्सिमम अपने पास रखने की, क्योंकि वो डुप्लेट बनाया था आपको याद होगा मैं बताया होता हूँ। तो देखो अब हाइड्रोजन क्लोरीन का पहले से बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को अगर नया बॉन्ड बनाना है तो उसको पुराना बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना था बेटा,
एक बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बीच का बॉन्ड था वो क्या होगा, ब्रेक हो गया। तो देखो ये क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि किसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और Cl पे क्या जा जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी दो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। वैसे देखो एक NH4 पॉजिटिव मतलब अमोनियम आयन और Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन, तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे प्यार से, आयनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड किसी तरह एक्ट करता है, एक आयनिक कंपाउंड की तरह एक्ट करता है। अब बेटा इसमें ना बहुत कुछ बातें छुपी हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, दैट अमोनियम क्लोराइड में कितने टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एक बॉन्ड तो आपको दिख गया कि अमोनियम क्लोराइड में कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, एट आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप क्या और सोच सकते हो कि इसमें और किस टाइप का बॉन्ड होगा, चलो आपने सोच ही लिया होगा, मेरे को विश्वास है कि आप लोग इतना तो जानते ही हो। देखो NH3 ये अपने जब तीन बॉन्ड बनाता है बेटा, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इसके, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो पता ही आपको हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म करता है, शेयरिंग से फॉर्म करता है, ठीक है। तो NH3 में बेटा आप एक बात देखो कि एन यहां पे क्लोन पर, यहां पे कैच, यहां पे कैच, यहां पे कैच, ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। ये वाला बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड। तो अब तो आपको दो बॉन्ड तो दिख में आ गए कि सर देखो इसमें तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। बेटा एक चीज ऑब्जर्व करो, आप एक चीज मिस कर रहे हो यहाँ पे, दैट यहां पे ये वाला जब अमोनियम आयन बन रहा था, अमोनियम आयन कैसे बनता है बेटा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही तो ये बनेगा ये अमोनियम आयन, जब अमोनियम आयन बनेगा तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड है और जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें ये तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके। तो प्लीज याद रखना। एंड बेटा एक बात समझो, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी स्पीड ज्यादा, तो डू वन थिंग, इसको आप एक ऐसे प्लेयर में प्ले करना जिसमें आप स्पीड को स्लो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा दो, फास्ट कर लेना, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करो आराम से, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा। अब देखो आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट बट कैरी मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोलना क्या चाहता है, मतलब आप स्टेटमेंट देख लो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा आयनिक कंपाउंड, देखो आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं, बट बेटा अगर एक बात सोचो आप, NaCl, NaCl सॉलिड स्टेट में जो घर में नमक होता है उसमें क्या है, Na और Cl फ्री है क्या, नहीं, बहुत कंपैक्ट सॉलिड स्टेट है, एक दूसरे में एकदम चिपके पड़े होंगे, एक दूसरे से एकदम अटैच्ड होंगे, है ना, सॉलिड फेज है वो, मतलब आयन्स क्या है, फ्री नहीं है, एकदम फिक्स्ड है, अपनी पोजीशन पे फिक्स है, क्रिस्टल फॉर्म किया हुआ उन्होंने, एक लैटिस फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो NaCl एकदम इस ब्लॉक के अंदर मतलब पूरा भरा पड़ा रहेगा, मतलब फ्री है क्या आयन्स उसके अंदर, नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं। सपोज NaCl का एक छोटा सा पार्टिकल आपने उठा लिया जिसमें NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बट इसके अंदर क्या NaCl फ्री होंगे, नहीं होंगे फ्री, बिकॉज वो सॉलिड स्टेट में है फिलहाल। इसलिए बेटा जब तक आयन्स फ्री नहीं है जब तक वो जाके कुछ कैरी करेगा क्या, नहीं कैरी कर सकता। मतलब सिंपल सी एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको कि एक मम्मी आपकी यहाँ पे है, ठीक है, आपकी मम्मी यहाँ पे, मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर मार्केट से जाके कुछ लेके आया, फिर मार्केट में किसी को पैसे दे के आप यहाँ पे बैठे तो हो, बट अगर आपके हाथ पैर में बांध दूं तो क्या आप मार्केट जाके कुछ लेके आ सकते हो या मार्केट में किसको कुछ जाके दे के आ सकते हो, नहीं दे के आ सकते, क्यों, क्योंकि आप फ्री नहीं हो। जब तक तो फ्री नहीं हो आप मूवमेंट नहीं कर सकते। वैसे बेटा जब तक आयन्स फ्री नहीं होते जब तक वो मूवमेंट नहीं करेंगे, और जब तक आयन्स फ्री नहीं होंगे जब तक वो मूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक वो करंट को भी कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो उसके सॉलिड स्टेट में करंट को कैरी नहीं करता। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट, ओके, बट मोल्टन स्टेट या फिर उसके एक्वस फेज में। जैसे कि एक काम करना, पानी को ले, पानी लेना, पानी गर्म पानी तो होगा ही, होना चाहिए, फिर उसके अंदर आप क्या डाल देना, एक चम्मच नमक डाल देना, NaCl कॉमन टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, पानी भी इसमें डालते हैं बेटा, आपको बताया था मैंने, क्या हो जाता है इसमें आयनाइज, ये अपने अपने पर्टिकुलर आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग, है ना, ये क्यों होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल इतना याद रखो कि NaCl को वाटर में ऐड करते हैं, Na प्लस अलग और Cl नेगेटिव अलग, मतलब कि जो पहले आपके हाथ पैर बांध रखे थे अब वो हाथ पैर क्या हो गए, खुल गए,
तो अब आप आराम से जाके जो मम्मी काम बोलेगी वो आप कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जैसे ही फ्री हो गए वैसे ही आप जब भी आप इसमें करंट सप्लाई करोगे तो करंट कैरी होगा, ठीक है। मतलब आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं तो, अगर एक प्योर वाटर है मतलब जिसमें कोई आयंस नहीं है, ठीक है, स्विमिंग पूल है जिसमें कोई आयंस नहीं है, और उसमें आप करंट का वायर डाल दो और उसमें स्विमिंग कर रहे हो तो करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज आयंस ही नहीं है वाटर के अंदर, और जब तक तो वाटर उसमें आयन नहीं है जब तक तो करंट को कैरी नहीं कर सकता। बट सपोज किसी ने क्या किया, उसमें आके नमक भी डाल दिया, फिर तो क्या होगा? फिर तो आपको शॉक लगेगा, फिर खेल खत्म, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, ये सब सिर्फ समझने के लिए, ओके। आप तो और इसमें देखो क्या क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि NaCl का बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड मतलब बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। बात समझो बेटा, जितना ज्यादा स्ट्रांग लैटिस होता है मतलब जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट लैटिस होगा, जितना ज्यादा कम वॉइड होंगे, जितना ज्यादा वो एक दूसरे से अच्छे से होल्ड रहेंगे, बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा रहेगा उसके बीच में, तो उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। और अगर बेटा एनर्जी ज्यादा लगेगी मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, क्यों? आप देख ही सकते हो, देखो बेटा एक आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक इन नेचर, वाटर क्या होता है उसमें पोलर पोलर सॉल्वेंट है ना, तो पोलर इसमें सॉल्वेट हो जाएगा आराम से, सॉल्युबलाइज कर लेगा। अभी आगे देख पढ़ेंगे हम, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन। तो अभी आगे पढ़ेंगे बट अभी फिलहाल याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नमक लो पानी में डालो दो बार घुमाओ गायब, इसका मतलब क्या, वो सॉल्युबलाइज हो गया, गायब नहीं हो गया, वो सॉल्युबलाइज हो गया, ठीक है बेटा। ओके, अब यहां पे देखना एक चीज, आप यहां पे ऑब्जर्व करना, ये देखो मस्ट रिमेम्बर द अमोनियम आयन बिहेव एज अल्कली मेटल। जैसे कि आप देख सकते हो Na प्लस यहाँ पे जैसे काम कर रहा है वैसे यहाँ पे कौन काम करता है, अमोनियम आयन। मतलब Na प्लस क्या है, अल्कली मेटल है, याद है ना, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल, सेकेंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये जो है अल्कली मेटल की तरह काम करता है, ठीक है। और आपको बोलेगा कि सर अल्कली मेटल ही क्यों, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं, बिकॉज बेटा इस पे कितना चार्ज है, एक ही प्लस वन चार्ज है। और आपको याद होगा कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, वन। मतलब कि ये जो अल्कली मेटल मतलब कि वो हेलीना की रब से फरियाद, ये मैक्सिमम कौन से स्टेट में रह सकते हैं, प्लस वन। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो अमोनियम आयन है वो किस तरह काम करता है बेटा, अल्कली मेटल की तरह, ठीक है बेटा। और NH4Cl इज आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, इट्स फाइन। तो अभी एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए तो डेमो वीडियो, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, या फिर आपको इसमें समझ में आ रहा है, या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन करूं मैं, ठीक है। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, और इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।